बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आप बताइए। अच्छा, इन्होंने मनमोहन सिंह को वोट दिया। अरे भाई साहब, मैं तो ये देख नहीं रहता कि वो डालते कैसे हैं। और किसी भी नाम के आगे का बटन दबा दिया। तो भाइयों, अब तक आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि कहां क्यों मत क्या फर्क पड़ता है। बात इतनी सी है बस, जो है तुझे अब जान की हक अपने मतदान की है बस तुझे पहचान। भटक रहे हैं। देखिए, मुद्दे की बात तो ये है कि अब हमारा सफाई महोत्सव में नाच गाना देखने का समय हो गया है। अब हम चलते हैं। देखिए, जीडीपी का घटना सीधे करप्शन की ओर संकेत करता है। ये तो मैं था, इसने कॉमनवेल्थ गेम सिर्फ 115 बिलियन में करवा दिए। सर, इनिशियल बजट तो 15 बिलियन का था, 15। ये लड़का बहुत संस्कारी है, इसका कन्यादान मैं ही करूंगा। चुनाव लड़ी, आप इसका जवाब दें। आई एम कमिंग एट योर पॉइंट ऑन दैट। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, 100 बिलियन इज इक्वल टू 10,000 करोड़। सर, ये सबको पता है, कुछ नया बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि पैसा गया था, हमें ये सोचना चाहिए पैसा लगाया कहाँ जा रहा है। जैसे कि आरटीआई, वुमेन एम्पावरमेंट, नरेगा, रोड एक्ट चैलेंज, रोड एक्ट चैलेंज, यूआईएट चैलेंज। पूरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये पैसा कहाँ जा रहा है, बोलिए। अबे साले, तू रघुराम से पूछेगा कहाँ गया पैसा। रियात या रायत, वो प्रोनाउंसिएशन रियात। अच्छा यार, थोड़ी सी एंट्री आप लोगों की वीक थी। आपने फिल्म सॉन्ग्स बहुत ज्यादा यूज की, कोऑर्डिनेशन आपको भी पता है, आप कोई ऊपर नीचे जा रहा था, ये वो थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे थे। बाकी बहुत अच्छा था, पार्टिसिपेट करना बहुत बड़ी बात है। अभी भी हम लोग बहुत बारी हारे हैं, हम तो, तुम तो चलो इधर आए हो, हम तो साले कोलकाता जाके हार के आए हैं। अच्छा प्लीज आगे से ध्यान रखो, डायरेक्ट नेम्स मत यूज करो। हाँ, डायरेक्ट नेम अपना सभी यूज करो, केजरीवाल, मनमोहन, राहुल। या टीवीएफ से जो कॉपी किया है वो, दैट वाज नॉट डिफेंडर्स ऑफ द नेशन। बहुत अच्छा था यार, बहुत जोर से ताली मारो। जो आपकी इनिशियल फॉर्मेशन थी, दैट वाज द बेस्ट फॉर्मेशन टुडे, द बेस्ट फॉर्मेशन टुडे। वो बहुत प्यारी फॉर्मेशन थी। और जिस तरीके से वो लड़की मर्ज होगी उसके अंदर चलते चलते, सानिया उसको, नेहवाल को देखा, जब वो बैडमिंटन गेम खेलती है उसके बाल एकदम चिपके होते हैं। ऐसा कर लो कि बाल पे कहीं इस पे ध्यान ना जाए, ठीक है ना। वो एक दो बार कहीं गया था पर वो गंदा लगता है। अब रिजल्ट सर आप बता रहे हैं अभी? हाँ सर, आप अपना अपना बता रहे हैं, सारा बता दो यार। मैंने तो अपना, हमारा सभी का फैसला एक ही, टोटल हमारा एक ही आया, टोटल आया एक ही, रायत, देन पैक, देन यूआईटी। मैं यहाँ पे हूँ पैक की टीम के साथ। सर, सेकंड आए, फेयर लगा या फिर अनफेयर लगा? सर ऐसा है, फेयर अनफेयर की कोई बात नहीं है, हमारे जूनियर्स ने परफॉर्म किया था और इन्होंने अपनी दी बेस्ट परफॉर्मेंस दी, हम इससे सेटिस्फाइड हैं, इसके आगे हमें कुछ नहीं। अभी से हम पैक के पास जो आए थे, सेकंड रियात भारा के पास आए हैं, वहाँ पे टीम फॉर्म हुए कितना टाइम हुआ है? This team सर अभी 3 हफ्ते हुए हैं, मतलब only me and this guy are doing second time, बाकी सबका first time ही है।
ओके फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा था, वी हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द जजेस एंड बाय लुकिंग एट द अदर प्लेस यूआईटी ने ऐसे करा, पैक ने करा, वी हैव लर्नड अ लॉट और इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली विल कम नेक्स्ट ईयर एंड विल ट्राई टू विन दिस. तो डिसीजन फेयर लगा या फिर कुछ लगता है? नहीं, इट वाज टोटली फेयर. टोटली फेयर. अब हम उस टीम के पास जो आई है फर्स्ट. जी हाँ, यूआईटी ऑस्मियम रैंक फर्स्ट टीम हल्लाबोल. कैमरा कहाँ है चले ये बताओ. असम ये थोड़ा. या लेट मी द फुटेज. वेल आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द आवर विन. पूरी टीम कैसा लगा? मैं पता नहीं सही लगा यार, 17 जनवरी से बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. 17 जनवरी से री के पेपर देने आए थे लेकिन अब स्क्रिप्ट लिखी बड़ा अच्छा लगा. 22 को पेपर था और हम 21 को स्क्रिप्ट लिख रहे थे, मतलब लगता नहीं है री क्लियर होगी. बेटा आप क्या करिए जल्दी से जल्दी. मेरे को बहुत मजा आया प्ले करके और फाइनली हम जीत गए. ऐसा लग नहीं रहा कि हम जीतने वाले, बट हम जीत गए. आई स्टिल डोंट बिलीव इट. देखिए भाई कैसा लगा आपको जज करके? जज करके अच्छा लगा यार, जज अच्छा किया टीम से, अच्छा किया. ठीक है, अपनी टीम ने काफी अच्छा किया, जोरदार किया. पैक ने बहुत अच्छा टक्कर दिया. वो रियाद बारा वाले नए नए हैं, थोड़े ब्लूम करने तो नए नए फूल है, खेलेंगे अच्छा. कहना चाहेंगे इन सबको, पूरे कॉलेज को? पूरे कॉलेज को भैया मेहनत कर लो, जिंदगी में कहीं नहीं रुकते, चाहे किसी भी चीज में कर लो. पढ़ाई है तो पढ़ाई में मेहनत करो. डीवी जैसे थिएटर कर रहा है, थिएटर में जिस चीज में दिल लगता है मेहनत करो, टॉप पे पहुंचोगे, कोई नहीं रोक सकता.